सो आर यू रेडी टू मूव फॉर डायमंड शिप? आप सबको डायमंड जाना है। अभी क्या करना पड़ेगा? पहला चीज, आपको अभी ग्रोथ प्लान में काम करना पड़ेगा। हमारा जो 12 साल का एक्सपीरियंस है, आप जब गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे यू मे हिट इट, बट दैट डज नॉट गारंटी फॉर ग्रोथ। लेकिन इफ यू फोकस ऑन ग्रोथ यू विल ग्रो एंड ऑलवेज हिट गोल्स। हम आज ग्रोथ के बारे में ज्यादा बात करेंगे बिकॉज अल्टीमेट गेम इज टू ग्रो टू गो डायमंड्स, दैट द ग्रोथ। सो व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ अमू एंड ब्रिटेन? अमू कॉर्पोरेशन का फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स फोर पिलर्स। फर्स्ट इज फ्रीडम, सेकंड इज फैमिली, होप एंड रिवार्ड। वही प्रिंसिपल को लेके 54 साल हो गया, 108 कंट्रीज में वो बिजनेस चल रहा है। इंडिया में भी 15 साल हो गया। नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग द 15th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन। सो व्हेन यू वर्किंग टुवर्ड्स फ्रीडम which gives you the personal freedom. If you are silver, your next goal is to platinum. If you are platinum, next goal to stabilize the 10,000, 12,000 people to go founders. Once you're founders, go for emeralds. Then you go for the founders emeralds, diamonds, founder diamonds. This way, it is working in a growth plan. So, if you grow your income, you have to work a growth plan. Every time you have a goal to shoot for, to grow. So, in this business, a teamwork hai. So, teamwork ke liye, you want to grow your relationship, first you have to learn the skill of relationships, teamwork. Husband-wife relationship, it is a must. Aapka jabhi bhi jo relation hai, you have to grow your relationship, husband-wife. And you grow your relationship with the children. And we should grow your relationship with other family members. And the ultimate, have the best relationship with all the peoples, that's the people's skill. क्योंकि कोई भी जॉब और कोई भी प्रोफेशन में 85% डिपेंड करता है योर पीपल स्किल एंड 15% इज नॉलेज। लेकिन वी आर इन द पीपल्स बिजनेस, सो वही स्किल यू हैव टू ग्रो। देखिए, हम जब बिजनेस में ज्वाइन किया, हमारा पीपल स्किल इतना अच्छा नहीं था। आई हैव ए बिग ऑफिस, बिग स्टाफ, एवरी टाइम आई वाज टेंस, किसको एक्सप्लेनेशन मांगना है, किसी को चार्जशीट करना है। लेकिन थैंक्स गॉड्स टू द ब्रिट वर्ल्ड वाइड, इस सिस्टम में आके हमको सीख है व्हाट इज द एडिफिकेशन, हाउ टू ग्रो द पीपल, हाउ टू बिल्ड द पीपल टू हैव द मैक्सिमाइज देयर अचीवमेंट्स। सो इसीलिए ये बिजनेस में भी आप सपने में भी किसी का बुरा नहीं मान सकते। इवन इन ड्रीम फेज वी नेवर थिंक्स एनी इलनेस अगेंस्ट द पीपल। और यू हैव टू ग्रो इन योर कैरेक्टर। ये बिजनेस एक कैरेक्टर बिल्डिंग का बिजनेस है। आइदर यू हैव योर कैरेक्टर और बिल्ड योर कैरेक्टर, देयर इज नो शॉर्टकट। ये बिजनेस में बहुत ऐसे आदमी है जो कैरेक्टर बिल्डअप करके भी डायमंड्स किया है, क्राउन किया है। इट इज इन योर हैंड। यू हैव टू ग्रो द कैरेक्टर बिकॉज यू हैव टू बिल्ड, सेटिंग एग्जाम्पल बिफोर द पीपल। देन यू हैव टू ग्रो मेंटली एंड यू हैव टू ग्रो योर एटीट्यूड एंड सेल्फ इमेज। आपको आपका एटीट्यूड को ग्रोथ करना है, आपको सेल्फ इमेज को ग्रोथ करना है, बिकॉज यू कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड योर सेल्फ इमेज। आपका सेल्फ इमेज को आप डे इन एंड डे आउट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ इमेज थ्रू द सिस्टम। अगेन दिस बिजनेस क्या है? दिस बिजनेस गिविंग एन अवेयरनेस फॉर ग्रोथ इन ऑप्टिमल हेल्थ। हमको हेल्थ के बारे में कोई पता नहीं था। थैंक्स गॉड थ्रू दिस बिजनेस वी केम हाउ टू लीड ए ऑप्टिमल हेल्थ, हाउ टू ग्रो योर एक्सरसाइज, हाउ टू हैव ए एडिक्वेट रेस्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड न्यूट्रिशनल फूड। ये बिजनेस में हम और हब सोशल एंटरप्रेन्योर्स है। वी आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, वी आर वर्किंग फॉर ईच अदर, we are working on win 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 situation. When you are helping a team, they are growing, they are winning, we are winning, in turn company is winning. So win 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 situation mein kaam kar rahe. We are working on social entrepreneurship. We are helping to our teammates how to earn extra income. Everybody should help each other, everybody should. Life is growth, growth is life. Put a question mark for yourself in the night, is it the right balance sheet I have today? You are the best judge. Bhagavan spirituality mein bolte hai, hum kisi ka after giving the human being birth, I never write is anything. You deserve what you do. It is my goal to write what you are doing. So you will have the peace of mind inside. You have the peace of mind, happiness. Am I growing in right direction every night? Get your balance straight. That is growth is life. तो डायमंड जाने के लिए आपको पांच चीज वेरी सिंपलेस्ट वे में बात करेंगे अभी। फर्स्ट चीज ए बी सी डी ई, यू प्लग योर सेल्फ इन द एसोसिएशन, दैट इज द ब्रिट वर्ल्ड वाइड। एंड बी इट विल क्रिएट द बिलीफ आई कैन डू
She will give you the commit. Once you are committed, this is the destination. You will hit 6%, you are committed. You will hit 9%, you are committed. You will hit 12%. This way, you are committed. Destination, one destination at a time, one destination at a time, one destination at a time. And E for excitement, when you are grated and fired up, because we are achieving one station at a time, one station at a time. That is the A, B, C, D, E. But as I've said, 10 simple points to go diamonds. Simple points. Thus, simple points. A business pe wahi difficulty hai. Business itna simple hai. We never believe it. Because we have gone through the life in very challenging. 21 saal ka education, 15 saal ka job, having salary of 7,000. How could I believe? Itna simple mein 50,000 aayega. So, wo simple si dimag mein nahi jata hai. Dekhiye, aap you draw your life history. आप अब कितना साल क्या करके अभी कहाँ है, आप जब बोलेंगे आज से आप काम करेंगे, 2 साल में प्लैटिनम, 3 साल में एमराल्ड, 5 साल में डायमंड जाएंगे, यू आर बिलीव नहीं आएगा. इज राइट एग्जैक्टली. बट व्हेन यू आर इज द सिस्टम द बिलीव कैन डेवलप. सो फर्स्ट थिंग, इट इज द सिंपलेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, इज द मोस्ट सिंपलेस्ट. ऑल द पैरामीटर्स टू ग्रो इन द बिजनेस इज इन योर हैंड. नोबडी इज कंट्रोलिंग दैट पैरामीटर्स. दैट द 9th स्टेप वी विल डिस्कस. दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड. It is the most simplest business. So point one, the power of decision. Oh business, dekhiye, it is not a time bound business. It is a decision bound. Aap abhi business mein kitna din ho gaya? 2 saal ho gaya, 3 saal ho gaya, 5 saal ho gaya, it makes no difference. The day you take a decision, that is your starting point. Power of decision. Success depends upon the decision, not upon the conditions. So jab aapka decision ho jayega, you are going. Dekhiye, abhi hamara business kaun sa tar mein hai? It has started 1998. अभी 15 साल हो गया. Amway established its brand name. 89% positive awareness. Products are good. Company is good. लेकिन जो इसको effort देगा वही कर पाएगा. वही that is the ultimate. So अभी Amway business का vision क्या है? देखिए 15 साल में Amway गया है 2300 crores. But उनका goal है by 2015 Amway will hitting 5000 crores. By 2020, 10,000 crores. इसका मतलब क्या है? The message is, we are in the right business in the right time, and you have to build it now. Today you take a decision, you start tomorrow, and the days will be your in your hand. Within 2 years, each and everybody in this Colosseum are going beyond platinums. That is the right vision. Then the vision. Have the right vision. देखिए. That is the right vehicle, right business, right time, that's true. But you need to have your vision. 2 saal mein aapko platinum jana hai, 3 saal mein emerald jana hai, 5 saal mein diamond jana hai. You have to create your vision. 2 saal mein 6 lakh package mein jayenge with right structure. 3 saal mein you are going emerald package this way. So this business is the right time to build it. Isiliye dekhiye, humne abhi 6 product shuru kiya tha, abhi 130+ products. Kitna office se शुरू किया था 100+ ऑफिसेस. पिन कोड्स ऑल इन रेस्पेक्ट आई मू इज ग्रोइंग. इट मीन्स प्राइड फॉर पास्ट, फेथ ऑन फ्यूचर. फेथ ऑन फ्यूचर, दैट इज द राइट बिजनेस. यू कैन ग्रो विद अ विजन. बट द मेन थिंग बिफोर यू टेकिंग अ डिसीजन, इट इज योर थिंग. यू हैव टू टेक द राइट परसेप्शन. विदाउट परसेप्शन ऑफ आवर बिजनेस यू कैन बिल्ड अ बिजनेस अ बिग वे. जैसे एक अंधा को पूछा गया ऐसा है, अंधा बोला हाथी खंभ जैसे है, क्यों इसको पैर को पकड़ा था. और एक अंधा को पूछा गया हाथी कैसे, वो बोला है हाथी जैसे रस्सी जैसा है, क्यों वो इसको पूछ को पकड़ा था. और एक अंधा को पूछा गया हाथी कैसे, वो बोला है हाथी जैसे खुला जैसे कान को पकड़ा था. एग्जैक्ट माय फ्रेंड्स, व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ Amway? इज इट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स? इज इट फ्रॉम डोर टू डोर सेलिंग्स? इज इट फॉर रिक्रूटिंग द पीपल्स? और इज इट फॉर विदाउट एनी प्रिंसिपल बिल्डिंग द बिजनेस? What is your perception? It makes a difference. Before taking a decision, today is the day you have taken. Clear your perception. So, Amway business kya hai? First perception dekhiye. Is business mein perception kya hai? First is, it is a part-time and flexi-time business. Full-time, kyunki you have to grow, it takes times. So, isiliye you have to set your priority. God, family, present, profession, then Amway.
And the time priority, 6 to 8 hours sleeping, 8 to 10 hours is the productive hours, 2 to 4 hours is the other things, and 2 hours investing in the systems. We have to take a decision. It is a flexi time, part time, not sometime. Oh, sometime ka business nahi hai. You cannot be in sometimes. It takes much time because it is a part time concept. And second is, you find the reasons why you have the belief. If you have a belief for 5,000, yes, you start it, man. When you are in brick worldwide, it can grow. You have recognized on the stage 6%, 9%, 12%, 15%, 18% silver, platinum, found platinum. It means business works. Is it right? So this is the day, this is the time. You put a question mark to yourself. Is it worthy to build the business? Is it worthy to invest the time for 2 years, 5 years, 10 years? Is it worthy for me? If the answer is yes, you are in the right place, man. You can have a big time to build the business. Is it worthy for you? Yes. Is it worthy? Yes. If you do not feel it is worthy, you cannot invest your time in the right way. When I took a decision, when I found it is worthy to go emerald, to become free, how many plants I have sown, how many nodes I have, how many distance I covered, how many press meeting I made, how many team meeting I made, I forget everything because I found it is worthy to go emerald in 3 years. That's how I went emerald in 3.5 years. Is it worthy for you? If yes, you can go platinum in 2 years, you can go emerald in 3 years. It is the big question mark. You, is it worthy for me? Investing time for 5 years, investing time for 10 years, investing time for 20 years. If it is worthy, then you can have a big time to build a business. Then you can take a decision. Decision means paying the full price. No negotiation, whatever it takes. When you have everything in your life, invest your time in the right way. Yes, ma'am. If the answer is yes, you can make Orissa a big time. Orissa is now number one. That's right. Percentage mein number one hai. It is only due to our leadership. But we can make history, 100 of diamonds from Orissa. If today you can take a decision, it is worthy for me to go diamond. It is worthy for me to go diamonds. You see the magic starts. Magic starts. That is the thing. Success means paying price. Aapko aur mere ko kya price dena padega? First price. Part two, power of dreams and goals and mentorship. Ye business shuru ho gaya dream se. This business starts with dream, ends with dream. Size of your dream is the size of your business. Ye business mein dekhiye, when we are working dreams of each other, your dreams are our dreams. We are working dreams of each other. You have to identify your dreams. And identification, you must have a big dreams. You cannot work for the business 5,000, 10,000 or rasta mein aayega, because this business is not easy. Going through negative situation, getting the heat from the people, getting the rejection day in, it's not easy at all. Unless you have a big purpose in your life to build a business. It is not easy. In the morning we get the heat from the people. It is not cup of my tea. When you are delivering the products, it is not easy. Have you got purpose big enough through which you can overcome the situations? Then this business works for you. This business works for you. You must have a big purpose. If you are working with principle, principle works for you. 87% people, uska bas dream nahi hai, theek hai, duniya mein aata hai, kaam karke chala jata hai. 10% people in this world, they have a dream, but they have no principles. But 10% aadmi world mein, those are working with dreams, with principles, they are having the successful. And wahi 10% aadmi ka paas, duniya ka 97% aadmi ka assets unka paas hai. When you work with your dreams of Amway business, you have to have working on principles. So you have to write out likho with the principles. No argument. Once you write your dreams, your business will grow like anything. Power, you have to have the power from written. Then have the photographs, related photographs. Then PV, visualize, verbalize, vitalize. Then the create the passion and emotion. That's the things. You have to apply the principles. Keep your dream in mind 24 hours. Have the passionate. You have to keep the passion with emotions. जैसे एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है क्या होता है? पहला बात वो sound vibration शुरू करता है. आपका घर कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, गपशप शुरू हो गया कि नहीं? उसके बाद क्या होता है, किस दिन का बाद touch vibration शुरू हो जाएगा. बोलते बोलते इसे इसको हाथ पकड़ लगा, I love you.
टच वाइब्रेशन, और टच वाइब्रेशन में बात क्या हो जाएगा, साइट्रिक वाइब्रेशन। खाने में उसका फोटो, जाने में उनका फोटो, आने में उनका फोटो, कॉलेज में उनका फोटो, दैट इज अ साइट्रिक इन नेचर माय फ्रेंड्स। व्हेन योर ड्रीम्स एंड गोल्स कन्वर्टेड इन द साइट्रिक फेस, इट इज विदिन यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। यस मैन, दैट इज अ साइट्रिक वाइब्रेशन यू हैव टू क्रिएट टू अचीव द ड्रीम्स। यू विल हैव अ बिग टाइम, ओडिशा इज हैविंग बिग टाइम्स विद द ग्रेट लीडरशिप ऑफ एवरीबॉडी। सो दैट्स द थिंग्स यू हैव टू ग्रो स्टेप बाय स्टेप्स। Is it right? You see, this business, you have to all about working on goals. Every time you must have a qualification mode. आपका पास क्वालिफिकेशन मोड नहीं है, आप 6% जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपका पास वो भी गोल नहीं है। 9% जाने के लिए गोल नहीं है, 12% जाने के लिए गोल नहीं है, 15% जाने के लिए गोल नहीं है, हायर पिन के लिए गोल नहीं है। इसका मतलब यू आर डेवलपिंग रिएक्टिव माइंडसेट। कोई आएगा, मुझे बुलाएगा, हम जाएगा, नहीं होगा। वो मेरा फेस गया है, ऐसा मेरा एमराल्ड का बात क्या हुआ, रिएक्टिव माइंडसेट हो गया, मैं घर में बैठ गया 2 साल। कोई आएगा, ठीक है चलो भाई प्लान दिखाएंगे, कोई आएगा चलो एक डोमो कर देंगे, वहां नहीं कुछ। व्हेन अगेन आई रीसेट माय गोल्स टू गो डायमंड्स, व्हेन आई वर्किंग टू चेंज माय गोल्स, दैट रिएक्टिव माइंडसेट कन्वर्टेड इन द प्रोएक्टिव माइंडसेट। कहां प्लान दिखाएंगे, कहां जाकर डेमो करेंगे, कहां क्या करेंगे, दैट क्रिएट्स द प्रोएक्टिव थॉट प्रोसेस। इफ यू हैव योर ड्रीम्स एंड गोल्स, if you are in the winning zone, winning attitude, you have to develop your proactive mindset, then the magic of the business starts from that point, it starts from that point. Yes, is mahine ka goal hai, wohi hai, is mahine ka goal nahi hai, kisko 12% lena hai, 15% lena hai, silver lena hai, platinum lena hai, mere ko aage badhna hai, wahan jaake plan dikhayenge, woh jaake demo dikhayenge, woh jaake team meeting karega, woh karega, because you are going out, that is the proactive zone, that it can to go diamonds. Never be in reactive zone. Without goals, you are in reactive zone. Koi bulayega, jayenge. Nahin, aise nahin hota hai. This business will run in this way. Every time. You must have a goal to shoot for, man. You are achievers. We are all winners. Unless you have a goal, you cannot win the game. You set a bar, win them. This business is all about set goals, commit them and achieve them. Every time. We fight ourselves. We always set our goals, commit them, achieve them. That's the goal. Proactive mindset. Proactive mindset is a must to achieve your goals. Always be dream focused and goal oriented. You see, people started laughing when I took a decision to build a business. They laughed like anything. That's right. People are right at their position. But that laughing made me more stronger. And I developed a mindset. The best revenge is the massive success. If somebody is laughing at you, if somebody is telling that you cannot do it, yes, best revenge is the massive success. You must be in that, develop that mindset. I can do it. I can prove it. Yes, I am a diamond. That's that you can go. That is the mindset. Best revenge is the massive success. Then the mentorship program. Because personally window 4 times. You first window, you know about yourself. People know about yourself. First window. You know about yourself. People do not know about yourself. Your bank balance, your age, everything. Ye business mein kya hai? We are empowering the people. We cannot have rights to work on their weakness. We always work their strength on edification. But when you plug them with the system, that fourth personal window starts working. What he does not know, people do not know. Your mentorship is that point is very, very important. Your mentor will keep you on the track to good times. Have a big clubs on Kulin and Vinay Desai. When we are in the diamond qualification, every time they call. Main Kulin ji aise ek baat bata, every day is it necessary? He bola, nahi rakha. My goal is to keep you in the track. You have to pay your price, that's right. So you have to choose a mentorship in your LOS. That is the power of dreams, goals and mentorship. Then power of positive self-talk and mission statement, point number 3. You see, your mind is just like a garden. If you put a word, it is multiplied. If you put a positive word, it is multiplied. If you put a negative word, it is multiplied. The choice of the life, it depends on you. What seeds you have in the mind. Never allow your mind to put in negative words. You are your best friend. There is a choice. Speak what you want in your life. If you want to be a diamond, speak day in and day out, I'm a diamond. Speak it, man. Never allow to anybody to put garbage in your mind. Protect your mind. And this is the most important thing. And the mission statement.
Mission with passion, impossibility vanishes. You have the mission to go diamonds. When you are going diamonds, you put the mission statement. Every time, put the mission statement. आप कभी ईगल जा रहा है, सिल्वर जा रहा है, प्लैटिनम जा रहा है, एमराल्ड जाना है, डायमंड जाना है, पुट द मिशन स्टेटमेंट. इवन दो एज ऑन टुडे आई एवरी डे 10 times आई पुट माय मिशन स्टेटमेंट 10 times डे इन एंड डे आउट. आई नेवर अलाउ माय ब्रेन टू थिंक समबडी. आई माय ब्रेन इज अलाउंग फॉर एवरीबडीज ग्रोथ. दैट इज द व्हाट शुड यू आर पुटिंग इन अवर माइंड. दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज द चॉइस. If you want to richness, you have to put the positive thoughts. If you want brokenness, it is your choice. Allow the negative thoughts. Dekh ke baat karo. Diamond ship is nothing but protect your mind. What you put, garbage in, garbage out. Watch it. You can make it. You can make it. You have that potential. You can go beyond it. Then always be positive and stay excited. Having the winning attitude, that's the point number 4. Situation will come. In spite of situation, are you positive? 10% of life, what happened to you? 90% of life, how we react to it. Situation आएगा, वो situation चला जाएगा. लेकिन how you reacted, man? जो हो गया इसको लेकर हम बढ़ जाता है. अरे हो तो गया कि नहीं. कोई वाइफ हस्बैंड का झगड़ा है, आए ग्लास में दूध दिया था वो निकल गया. फिर क्या हुआ, निकल तो गया. इसको पूछा मारो झगड़ा करके क्या बात है. इसमें लिपट जाते हैं आप. सॉरी, दैट्स एटीट्यूड ऑफ डेवलप. देखिए, हम जब ज्वाइन किया था, मैं सोचा था 95% एक्शन. प्रोडक्ट तो बेचेंगे, प्रोडक्ट तो लेंगे देंगे, वो वॉल्यूम बनाएंगे तो हो जाएगा. लेकिन जब एमरल चला गया, देखा नहीं, ये नहीं होगा. 50% इज एक्शन, 50% इज एटीट्यूड. जब डायमंड चला गया, देखा गया नहीं, 90% इज एटीट्यूड, 10% इज एक्शन. वी आर डीलिंग विद द पीपल. अभी फाउंडर्स डायमंड प्लस में देखा गया 95% इज एटीट्यूड, 5% इज एक्शन. यू कंट्रोल योर एटीट्यूड, इट मेक्स अ डिफरेंस. योर एटीट्यूड विल डिटरमिन योर ऑल्टीट्यूड. Your attitude and potential will run hand in hand. देखिए, morning में आपका attitude ठीक नहीं है, वो दिन चला जाएगा, potential गया. You develop the right attitude in the morning, you will see the great day today I have it. Because that potential grow with the attitude. It is most important. Your attitude will grow hand in hand with your potential. So always be positive. Attitude is your best friend or your worst enemy. That is your choice. Its root are inward, but it fruits is outward. It is more honest and more consistent than our words. That's the attitude. It is thing which draws people us. It is the things draws people us or repels them. That's your attitude. It is the librarian of our past, and it is the speaker of our present, and it is the prophet of our future. That's your attitude. If you have the right attitude, you can have everything in a life. That is the attitude. Aap abhi kis chashma pehen ke baitha hai? Is it a black or is it a white or is it a red? That is your attitude. What you look towards the world, it makes a difference. Bhagavan ko sabko to situation de raha hai. Nobody is free from any situation challenges. The day you pray to God, Bhagavan mujhe koi situation mat dijiye, Bhagavan kya bolega? Beta, upar a jao. Upar a jao. That is the field you have to overcome it. God is giving challenges. God is giving enough scope to grow. One step to another step. That is the attitude. So, in this business, you have to growth mentality, growth attitude. Business will come and down. Business up down hoga. Lekin what is your attitude? Is it growing? Wo mera sath bhi aise hua tha. When I went silver, there is 457 people in Bhadrak, one team. Due to broken cardinals, but what was my attitude? Growing, man. Situation will come, situation will go. But what is your attitude? Are you having growing attitude to go diamond? Then you are going diamonds. In spite of challenges, what is your, are you having the attitude is growing? Challenge aayega. Chala gaya group, zero ho gaya. Kya hua? I had a strong attitude. I started building another team. Jo bhul hua tha, usme hum kya sikha? That was the breaking some cardinals. 450, I invested most of the time 2 years in that group. But it was beyond my control. Lekin I never reckon my attitude. God has a better plan for us. That is the attitude you have to carry. And always you must be excited. That is the business decision you have to take. You know where you are heading. You know after 2 years you are platinum, emeralds, diamonds. You create that excitement within you. That is the business decision. Without excitement you cannot build a business. Without excitement. You see, you must be excited day in and day out. If you have a one no, get more excited. Two, no, most excited.
Three, no. Finish, man. Get most excited person. Book your planner like anything. Losers, they think. One, no, ठीक है. दो, no, चलेगा. पांच, no, घर चलेंगे. नहीं होगा. That is your excitement. One, no, great, man. No problem. More excitement. Because we have taken a decision to diamonds. Is it taken a decision? 12 May. No, man. Why do I worry? वो मना किया क्या हो गया? This is my decision to go diamonds. My decision to go crown ambassador. Is it right? So, and point number 5. Power of association. This is the most important. Power of association. Combination of association and business turnover. It is not 99%. We are the product of association of the BRICS worldwide. Have a big trust of the BRICS worldwide. 100 PV. You have to learn it. So, इसलिए जो मैजिक कर्नर करना है जो प्रोडक्ट नॉलेज लेना है विद केयरिंग हेल्पिंग एंड सर्विंग एटीट्यूड में कैसे करना है यू हैव टू लर्न इट एंड यू हैव टू मास्टर इन डेमो. वो मेरा कंफ्यूजन था डेमो के लिए. डेमो दिखाने के लिए हिलता था. थैंक्स गॉड टू द सिस्टम. एक दिन वो एग्जाम्पल दिया गया. रतन टाटा इज शोइंग डेमो इज नानो कार. इज ही राइडिंग नानो बिकॉज ही इज द ओनर. व्हेन यू डेवलप योर ओनरशिप मेंटालिटी he can do everything. He can do demo, he can sell, he can do everything. Ownership is owning the business to go diamonds. That's about the ownership. देखिए एसोसिएशन का पावर क्या है. सपोज कोई लड़का अभी 32 साल में लाइफ में फेलियर हो गया, कुछ नहीं कर पा रहा है. वो लड़का क्या सोचा था जब जन्म हुआ था टेबल का ऊपर? क्या सोचा था मैं फेलियर होंगे? नहीं. He never thought मेरा जिंदगी ऐसे फेलियर में चला जाएगा. लेकिन जब जन्म हुआ वही एसोसिएशन वही सोसाइटी यही पीपल इसको क्या बोला? नहीं, वो आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपका जिंदगी में कुछ नहीं होगा. अल्टीमेटली बिकम फेलियर. थैंक्स गॉड वी आर इन द एसोसिएशन ब्रिक वर्ल्ड वाइड. योर एलोस योर अपलाइंग एवरी टाइम्स दैट ही कैन डू इट. 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 यू आर वे डायमंड्स. यू आर वे डायमंड्स. दैट इज एसोसिएशन. वी नेवर अलाउस दिस बिजनेस एनीबॉडी टू फेल. But to share success is price. You have to pay your price. That is, association plays a great role. That is the BRICS worldwide. Association, you have to associate with books, book of the month. Associate with lamplighter, associate with CD, associate with the people, successful people. Principle says, where you will be after 5 years? The book you associate and the person you associate will determine, 5 saal ke baad kahan honge. That's the thing. As long as you are in the association, there is a music in your mind. I can do it. I am growing. I am a diamond. The delay with your association for 5 days. Finish, man. Music change ho jayega. Nahi ho sakta. Am nahi kar sakega. Oh, nahi hoga. Oh, nahi hoga. Aaya beta bhai music. Plug yourself in the association 100% pin till got diamonds. That is the formula. Every time you ab gir jayenge, phir association will make you stand up. You can grow. You can grow. Make you stand up, man. That is the association. मेरा याद है अगस्त 2000 मैं 7 प्लान दिखाया था. 7 प्लान में क्या हुआ? सब नेगेटिव हो गया. फिर नेक्स्ट डे मैं बोला बिजनेस नहीं होगा. लेकिन आई वाज प्लॉकिंग माय सेल्फ इन एसोसिएशन. मैं जब टेप ऑन किया है हाफ फेथ यू आर डायमंड्स टेप में था. फिर मैं चिल्लाने लगा आई एम डायमंड आई एम डायमंड आई एम डायमंड. दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन. देन आई स्टार्टेड शोइंग 5 प्लान्स रीजॉइंड. देयर इज नो शॉर्टकट. वी आर द प्रोडक्ट ऑफ एसोसिएशन. सो एसोसिएशन के लिए आपको वहां प्लॉक विद द ब्रिक्स वर्ल्ड वाइड. इज इट राइट? देन यू सी अमेरिका में एक टूरिस्ट प्लेस है माउंटेन प्लेस. दैट माउंटेन इज 11,000 फीट हाइट. इसमें क्या होता है माउंटेन के ऊपर जंपर जाते हैं. वहां से एक छलांग लगाते हैं कुत्ते हैं. कैसे कुत्ते हैं मालूम है? जब नीचे पत्थर है पत्थर देख के कुत्ते हैं. 11,000 फीट आप नीचे पत्थर है कुत्ते तो क्या होगा है ऊपर. लेकिन वो छलांग लगाते हैं किसको क्यों इसको मालूम है. हम नीचे होने तक वो जो समुद्र का पानी है अंदर चलाएगा. मैं समुद्र का पानी का ऊपर पड़ेंगे. इसीलिए बहुत रॉस से टूरिस्ट प्लेस है. इट इज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. एग्जैक्टली माय फ्रेंड्स वी नो वी आर वर्किंग द नेगेटिव एनवायरमेंट. पीपुल डे इन एंड डे आउट से नो आई कैन नॉट डू इट. पीपुल विल गिव द रिजेक्शन एवरीथिंग. बट थैंक्स गॉड वी आर इन ब्रिक्स वर्ल्ड वाइड. वो आपको अपना लेंगे. यस यू कैन डू डायमंड्स. वी आर योर डायमंड्स. दैट इज द एसोसिएशन. आपका बस क्वेश्चन है आपका आंसर है. क्योंकि इस हमारे बिजनेस में 10-15 ऑब्जेक्शन से ज्यादा ही नहीं है. लेकिन यू हैव टू लर्न इट. यू हैव टू पुट द मास्टर इन इट. दैट इज द कॉपी मारना है. कॉपी कैट मार्केटिंग. सो फॉर प्रोडक्टिव हैबिट्स आई इनवाइट माय क्राउन लेडी. शी विल टॉक अबाउट द लेडीज पर्सपेक्टिव्स. क्या करना है क्या नहीं करना है. अगेन गुड इवनिंग फ्रेंड्स. नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो
यहाँ पे बिजनेस में ज्वाइन किया तो 1% और 99% इज एटीट्यूड एंड एक्शन पार्ट। पहला काम है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही बैठते हैं, लेडीज का काम बहुत है, तो हर सक्सेसफुल हस्बैंड के पास एक वाइफ का हाथ है, तो इसीलिए लेडीज आर द बैकबोन इन दिस बिजनेस। सो हमारा जो है वो 9 कोर स्टेप, ग्रोथ इज ए लाइफ, सो बुक स्टेप फंक्शन वो ये हमारा एक्शन पार्ट है। तो जो लेडीज एक एक लेडीज बोलते हैं कि अभी जी हम तो 4 पार्ट कर देंगे और हमारे हस्बैंड तो 4 पार्ट कर देंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि वो जो ये है स्पाउस का बिजनेस है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों को ही इक्वल माने रिवार्ड्स मिलते हैं, रिवार्ड्स रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन सब कुछ दोनों को ही मिलते हैं, तो इसीलिए हम दोनों को ही 9 को स्टेप करना है, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बुक्स पढ़ना तो जरूरी है लेडीज, आप 2-4 लाइन्स आप हैबिट, और हमारा जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स है हर महीना आते हैं, और दी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एंड हमारा जो है जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और स्किल विद पीपल, एंड हमारे जो द सीक्रेट बुक्स है वो तो वेरी नाइस बुक है, मेरा फेवरेट बुक है द सीक्रेट। द सीक्रेट का 3 बुक्स है, पावर मैजिक एंड सीक्रेट, तो वो जो बुक्स है लेडीज फ्रेंड्स आप पूरा डेली पढ़िए। पहले तो आपको हैबिट्स करना ही पड़ेगा, 2-4 लाइंस पढ़ेंगे, फिर 15 लाइंस पढ़ेंगे, फिर हाफ एन आवर पढ़ेंगे आप, वो तो पूरा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा वो जो बिजनेस के लिए सेल्फ इमेज का सेल्फ इमेज ग्रोथ का बहुत जरूरी है, सेल्फ इमेज को ग्रो करेंगे तो सब कुछ आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए सेल्फ इमेज के लिए हमारे एक आउटर सेल्फ इमेज है और एक इनर सेल्फ इमेज है, तो हमारे जो एक्सटर्नल सेल्फ इमेज आउटर का है वो जो मिरर है, मिरर सब देखते हैं डेली, मिरर देखते हैं कि नहीं, हमारे ड्रेस अप कैसे है, ड्रेस होके फिर भी मिरर देखते हैं, तो मिरर सब साफ कर देते हैं, हमारे ड्रेस अप अच्छा ठीक से कर देते हैं और फेस को भी क्लीन कर देते हैं, अच्छा ठीक कर देते हैं। तो वैसे ही हमारा जो इंटरनल ग्रोथ के लिए क्या है, हमारा बुक्स इज मिरर, मिरर की तरह हम जब डेली बुक्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स, जो भी हमारे अंदर में नेगेटिव्स है वो सब चले जाएगा और हमारा जो स्पीच पैटर्न आहिस्ते आहिस्ते पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए खुद को चेंज करने के लिए डेली हमको बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप पढ़िए। और हमारा भी लॉन्चिंग योर फ्यूचर है, बहुत सारी बुक्स है, एटीट्यूड एंड अल्टीट्यूड वो भी है, बहुत सारी बुक्स है, आप पढ़िए और पास में रखिए, जो बुक्स आपको अच्छा लगा आप पास में रखिए, आपका कबर्ड में रखिए, हम तो ऐसे करते हैं, हाँ मेरे को जो बुक्स अच्छा लगा मैं पास में रखते हैं, एक एक दिन पढ़ते हैं, इसको गाड़ के पढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट हमारा है सीडी, सीडी तो सुनना बहुत जरूरी है, वो भी हमारा ऑक्सीजन की तरह, क्योंकि सीडी जब नहीं सुनेंगे पूरा डीमोटिवेट हो जाएंगे, सीडी हमको पूरा मोटिवेट करके रखते हैं और बहुत एनकरेज देते हैं और होप एंड फेथ देते हैं, बहुत सारी रैली टाइप से रैली स्टोरी एंड मोटिवेशनल स्टोरी एंड एजुकेशनल स्टोरी बहुत कुछ सीडी है, तो वो सब सीडी हम सुनेंगे, डेली सुनेंगे, 1 और 2 सीडी जरूर हम सुनेंगे। लेडीज आप जो किचन में हैं आप भी सुन सकते हैं, जो भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि जो गाड़ी में जब हम जाते हैं गाड़ी में भी सुन सकते हैं और मॉर्निंग में भी सुन सकते हैं और नाइट में भी सुन सकते हैं, जब सोने के पहले उसी टाइम भी हम सुन सकते हैं, जो भी आपको टाइम अच्छा लगेगा आप सुनिए। और आज जो है BBS वो भी है, और हमारा एक लेडीज मीटिंग वो भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि लेडीज वहाँ पे जाके बहुत इंस्पायर होके आते हैं और बहुत एनर्जी लेकर आते हैं लेडीज मीटिंग में। फ्रेंड्स आप हर जगह पे लेडीज मीटिंग कीजिए, लेडीज बहुत वहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं भी लेडीज मीटिंग में, और बहुत एग्रेसिव है लेडीज मीटिंग। भाभी जी लेडीज मीटिंग कब करेंगे, कब करोगे, हर समय पूछते हैं, वेरी एग्रेसिव लेडीज हो जाते हैं लेडीज मीटिंग में, तो इसीलिए वो भी बहुत पावरफुल है। और वो जो फंक्शन जाएंगे ना, दोनों को तो जो दोनों को जाना पड़ेगा,
हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके जाइए, दोनों मिलके जाइए, क्योंकि जब हस्बैंड चले जाएंगे तो वो पूरा फायर अप होके आएंगे और लेडीज पूरा जब नेगेटिव्स होके घर में रह जाएंगे तो वो क्या एक सेंटेंस बोल देंगे, वो पूरा एकदम डाउन में गिर जाएंगे। तो इसीलिए दोनों ही जाइए फंक्शन, फंक्शन इज वेरी पावरफुल, बहुत बहुत एनर्जी देंगे फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारा है एसटीपी प्लान शो, और प्लान शो जब हस्बैंड करने के लिए जाते हैं उसी समय लेडीज भी हमको भी जाना है, क्योंकि हम जो डेमो किट है हमारा उसको लेके हम जाएंगे वहाँ पे, 3-4 डेमो दिखाएं, राइट नॉलेज दीजिए तो खुद यूज करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो होंगे और लेकिन जो वो भी कस्टमर बन जाएंगे आपका। तो डेमो किट लेके फ्रेंड्स आप जाइए। तो उसके बाद हमारा 100% प्रोडक्ट यूज, प्रोडक्ट यूज हम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट्स इज आवर हार्ट। तो हम जब बिजनेस में ज्वाइन करेंगे और प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे, मॉर्निंग से रात तक हमारा प्रोडक्ट से इतने सारी सुंदर प्रोडक्ट से ग्लोबली पूरा अवॉइडेड प्रोडक्ट, नो केमिकल्स, टोटली नेचुरल प्रोडक्ट से हमारा हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ केयर न्यूक्लेट है, हमारा स्किन को फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ब्यूटी केयर प्रोडक्ट, हमारा आर्टिस्ट्री है एंड हमारा पर्सनल केयर एंड होम केयर प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है। तो हम जो डेली प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो वैसे ही हमारा 100 से 200 प्रोडक्ट्स चले जाएंगे, रिटेलिंग हो जाएंगे ऑलरेडी, वो सब चले जाएंगे। तो हमारे घर में एक मैजिक कर्नर भी बनाएंगे, तो मैजिक कर्नर जो बनाएंगे वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट्स है 3 पार्ट करके हम रख देंगे, वहाँ पे हमारा न्यूक्लियर सेशन 1 पार्ट में रखेंगे और आर्टिस्ट सेशन 1 पार्ट में रखेंगे, और हमारे जो होम केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है उनको भी और एक पार्ट में रख के सजा देंगे, और बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल से सजा देंगे। जो प्रोस्पेक्ट हमारा घर आते हैं वो देखते हैं कितनी सुंदर मैजिक कर्नर है, कितनी सुंदर प्रोडक्ट्स है, वो कौन सा प्रोडक्ट है, वैसे है वो जो प्रोडक्ट्स रखा हुआ ऐसे होकर भी हमारा भी प्रोडक्ट्स चल जाते हैं 100 से 200 पे भी। तो वैसे ही हम यूज करेंगे 100%, क्योंकि हमारा हेल्थ को केयर करते हैं, हमारा बॉडी को केयर करते हैं, हमारा होम को क्लीन करते हैं और हमारा स्किन को फेस को क्लीन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे मम्मी तो 86 इयर्स की ओल्ड, वो पूरा इतने पसंद पूरा प्रोडक्ट के लिए वो खाते हैं भी, और 86 एज में प्रोटीन पाउडर डेली एंड फाइबर पूरा शेयर कर देते हैं भी, सबको बुलाते हैं प्रोटीन लीजिए डेली लीजिए, इतने पावरफुल इतने एनर्जी देंगे वो तो पूरा। मेरे मम्मी बहुत एनर्जेटिक है अभी भी 86 इयर्स ओल्ड, देखिए 86 इयर्स ओल्ड में जब दे देते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। तो वैसे ही हम प्रोडक्ट्स का रिटेलिंग भी करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हम जो रिटेलिंग करेंगे यूज प्रैक्टिकली करेंगे तो हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा तो हम दूसरों को शेयर करेंगे, और राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट नॉलेज लेना है, और स्पिन फॉर्मूला से हम दूसरों को देंगे केयरिंग हेल्पिंग एंड एटीट्यूड में। घर घर में हम बोलेंगे हमारा इतना सुंदर प्रोडक्ट्स है, हेल्थ का प्रोडक्ट्स, आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट, वैसे ही हम देंगे राइट वे रे प्रॉपर वे से आप काउंसलिंग कीजिए और आगे बढ़िए। और जो टीचेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, टीचेबल तो होना ही पड़ेगा सबको, क्योंकि यहाँ पे तो हम सब PhD करके जाएंगे आगे बढ़ेंगे, पीपल हेडेड फॉर डायमंड शिप क्वालिफिकेशन, तो इसीलिए हम सबको पूरा टीचेबल होना पड़ेगा। पहले हम क्या है, टीच इट एंड डू इट एंड डुप्लीकेट इट, तो हर समय हम टीचेबल होना पड़ेगा। कच्चा टमाटो देखते हैं ना, कच्चा टमाटो, हम सब हर समय कच्चा टमाटो होके रहेंगे, जब लाल टमाटो हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो इसीलिए पूरा क्लीन बोर्ड होके अपलाइन के पास जाएंगे, मीटिंग जाएंगे, जब सोचेंगे सब जानते हैं, लाल टमाटो होके पूरा गिर जाएंगे। तो आपके ऊपर है कच्चा टमाटो होके रहेंगे कि लाल टमाटो हो जाएंगे। तो फिर हमारा है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टू योर टाइम मनी एंड वर्ड्स। आप जो जिसी को भी जो टाइम देते हैं आप टाइम पे पहुंचे,
और मनी भी जिसको जो जहाँ से आप लाते हैं और जिसको देते हैं देने के लिए है आप दीजिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत टाइम और मनी का बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम मनी एंड वर्ड्स, वर्ड्स का भी अकाउंटेबल रहना चाहिए, जिसको जो जो बोलते हैं उसी टाइम पे पहुंचिए आप करिए, और जब वर्ड्स निकल जाते हैं टाइम निकल जाते हैं मिलेगा, और जो फ्रेंड्स निकल जाते हैं वो भी मिलेगा, और जब वर्ड्स निकल जाते हैं ना मुंह में वो नहीं लौटेंगे। तो हम वर्ड्स जो बोलते हैं वर्ड्स आर आवर सीड्स, अच्छा तरीके से बोलेंगे अच्छा तरीके से सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो अकाउंटेबिलिटी टू योर ब्रीड सिस्टम एंड अकाउंटेबिलिटी टू अमुए, तो वैसे ही हम 9 को स्टेप करेंगे। फिर नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है वो तो बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए, क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज ग्रुप मेंटेन करने के लिए रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो रिलेशनशिप स्टार्ट घर से शुरू होते हैं, फैमिली से शुरू होते हैं, क्योंकि फैमिली में हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए और बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए, और जो इनलेस सब है घर में उनके साथ भी, सास ससुर और माता पिता सबके साथ भी अच्छा रिलेशनशिप रखिए, क्योंकि वो तो बिजनेस, वो जो ब्लेसिंग्स का बिजनेस, सबसे सबके पास ब्लेसिंग्स आप लीजिए। तो अपलाइन के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए, क्योंकि अपलाइंस का अम्ब्रेला के नीचे हम सब है, वो हमारा हेल्पलाइन है। तो टीम के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए, इनको पूरा लव अफेक्शन देके पूरा प्रोटेक्ट करके रखिए, गुड रिलेशन। एंड जो रिलेशन आप अनकंडीशनल लव आप दीजिए टीम को। तो फ्रेंड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, स्पोकन वर्ड इज वेरी पावरफुल, क्योंकि हम जो बोलेंगे वही रिफ्लेक्ट होके हमको मेरे हमको भी मिल जाएगा। तो इसीलिए हर समय पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए और पॉजिटिव सुनिए, सब कुछ पॉजिटिव में रहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, वो भी घर से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि होम को पहले पॉजिटिव रखिए, जो बोलेंगे आपको वो ही मिलेंगे। हर समय पॉजिटिव बोलिए। एक छोटा लड़का एक पहाड़ के पास जाके बोला कि आई हेट यू, तो पहाड़ से पीछे इको आया, रिफ्लेक्ट हुआ कि आई हेट यू, वो भी बोला। तो फिर वो जो लड़का मम्मी के पास जाके बोला कि मम्मी वो मेरे को आई हेट यू बोला। तो मम्मी पूछा कि आप क्या तुम आई हेट यू बोले कि ना, हाँ मम्मी यस, ना नहीं नहीं यू बोलो कि आई लव यू। तो बेटा जाके पहाड़ के पास फिर बोला कि आई लव यू, वो बोला आई लव यू एंड आई लव यू। तो वैसे ही हम जो गए वही हमको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अच्छा बोलेंगे तो अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। हर समय अच्छा बोलिए, अच्छा एक्सपेक्टेशन रखिए, अच्छा इमेजिनेशन रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। ब्रीड सिस्टम एंड टू अमे कॉर्पोरेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सबमिट टू योर हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड इज ऑलवेज योर हेड एंड वी आर नेक। तो सो यू सबमिट टू योर हस्बैंड, 100% सबमिट, तो बहुत जल्दी आगे जाएंगे, और मिल के करेंगे, हस्बैंड वाइफ मिल के करेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। आज से पूरा एकदम हस्बैंड के साथ पूरा जोड़ हो जाइए, पूरा बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कीजिए। सो हम जो सिस्टम के साथ, ब्रीड वर्ल्डवाइड सिस्टम के साथ हर समय जोड़ हो जाएंगे, और हर समय 9 को स्टेप करेंगे, पूरा एकदम पैशनेटली करेंगे। सो थैंक गॉड, गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड एंड गो क्राउन। नाउ आई एम गिविंग टू माई प्यारे हस्बैंड, माई स्वीट हस्बैंड, my crown husband, he is my friend, he is my upline. So thank you, God bless you, go diamond. The business is a very simple business, only commitment for 9 core steps, and always be in the basics, back to basics. This is a game of basics, aapko basics mein rehna padega, but basic karne ka time you have to develop the great attitude. Aapka attitude kya hai wohi bada cheez hai. बेसिक करने का टाइम आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा आदमी मना करेगा, ठीक है।
देखिए इस दुनिया में सब लोग सब चीज नहीं करता है, सब क्या इंजीनियर होता है ना, सब डॉक्टर होता है ना, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, सब नहीं। हम क्यों सोच रहे हैं सब हमें करेंगे? कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन विद द कॉमन पीपल। हमारा काम है वी हैव टू शो द प्लान विद अ ग्रेट एटीट्यूड, वी आर द मैसेंजर बाय द गॉड, इज राइट। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो? आप एक को प्लान दिखाया वो मना किया, दूसरा को प्लान दिखाया नहीं नहीं हम खुश हम करेंगे नहीं, तीसरा को प्लान दिखाया हमारा पास टाइम नहीं, लेकिन फोर्थ को जो प्लान दिखाया इज एक्साइटेड एंड फायर्ड अप, हम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी नो हैज बीन द डायरेक्शन टुवर्ड्स ए यस, दैट इज योर सक्सेस, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। एवरी नो टेक यू क्लोजर टू द सक्सेस, एवरी नो क्लोजर यू टू द सक्सेस। हम 127 प्लान दिखाया था, 7 आदमी आए थे, है ना। एवरी नो आई एक्साइटेड, इट टेक्स मी क्लोजर टू माई सक्सेस। रेडी आपका एटीट्यूड, इसको यू हैव टू डेवलप द ग्रेट एटीट्यूड। देखिए एक हमारे टीम में बहुत बड़ा लीडर है, डबल डायमंड, हैव ए बिग क्लब्स फॉर न्यू रिगन। वो एक बार एक होम मीटिंग फेस किया एक लेडीज का घर, अब बोला है ठीक है आप दो चार आदमी को बुलाइए हम प्लान दिखाएंगे। वो दो चार आदमी को इन्वाइट किया आया, वो कोई साइन ऑफ हुआ नहीं, नो शो हो गया। फिर सेकंड ने बोला ठीक है इस बार आप कुछ को देखिए, विल शो द प्लान। लेकिन वो प्लान दिखाया फिर भी नो शो हो गया। वो लेडीज बोला नहीं देखिए रिगन जी और कोई नहीं आ रहा है, हमको और बिजनेस करना नहीं। वो बोला ठीक है लास्ट टाइम यू कॉल समबडी विल शो द प्लान। सो इसमें क्या है, एक आदमी को बोला है, वो आदमी आके वो जो बोर्ड में प्लान दिखाया था वो पेपर पढ़ता था, पेपर पढ़ता था। देखिए इसको ईगो फैक्टर क्या, लेकिन वो ग्रेट एटीट्यूड लेके इसको प्लान दिखा रहा था। वो प्लान देखता था पेपर पढ़ता था, प्लान देखता था पेपर पढ़ता था। लेकिन जब प्लान खत्म हो गया बोला कहाँ साइन करेगा दिखाइए, वो साइन किया। फ्रॉम दैट साइनिंग somebody joined, somebody joined, somebody joined. Ultimately, business went to South Korea. 109 diamonds from that signing. That's the great attitude you have to develop. Every day is a starting point. We don't know. Tomorrow you saw the plan, you take decision to go diamonds. So with that attitude, develop the right attitude, great attitude. Keep on showing the plan. Keep on showing the plan. And when you are showing the plan, suppose you are showing a plan, you are getting rejections, you are getting no's, you are not getting any results in a day. Never claim it is a bad day. Never, never, never you claim it is a bad day. You claim it is a character building day. It is a character building day. In spite of no's, in spite of rejection, in spite of challenges. Theek hai, I have to learn so many things. It is the character building day. I build my character out of the no's. It is the character building days. So, no is not important. How you reflect, that is the importance. So, I developed an attitude. To whom I show a plan? If he is not joining, again I have to go through more books, more CD, more function. I have to work with my attitude. If somebody joins, I start building him. It's the question of attitude. You see, you just have a tape. Aapka bas sab tape hai na, 150 centimeter ka tape. आप एक टेप लेकर आप बेडरूम में लगा दीजिए, ये 150 सेंटीमीटर है। देखिए वंस यू हैव ए नो, किसी को प्लान दिखा रहा है कोई नो बोल रहा है, इसका नीचे एक सेंटीमीटर काट दीजिए। व्हेन यू आर कटिंग 150 सेंटीमीटर यू आर गोइंग प्लैटिनम, थोड़ा जोरदार ताली होना चाहिए। यू फिक्स योर ओन टारगेट, दैट इज द एटीट्यूड। इफ समबडी सेज नो यू कंग्रेचुलेट, थैंक्स यू आर हेल्पिंग मी, यू आर हेल्पिंग मी। कैसे? मैं तो ज्वाइन किया नहीं, नहीं यू आर हेल्पिंग मी। आप नो किया मतलब आई एम क्लोजर टू माई टारगेट्स। रेडी? इसको कटी नोज मीन्स 150 टाइम्स कॉट्स मीन, इफ समबडी जॉइंस लेट अस बिल्ड आवर बिजनेस बिग टाइम। जैसे 300 कटिंग हो जाएगा तो आप एमराल्ड बन जाएगा, हैव ए बिग क्लब्स। यू सेट अ टारगेट फॉर नोज, दिस बिजनेस यू हैव टू बिल्ड नो टू नो विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म, विथ लॉस ऑफ एक्साइटमेंट, with loss of, without loss of excitement. वो business कभी भी SOS build up नहीं होता है। No to no. What is your attitude? What is your attitude? That's it makes a difference. Every time you evaluate, because the best plan, the plan which is shown, always be in the basics. Always. Get your name list, learn the invitation, how to invite the people in the present scenario of Amway, and how to show the plan and follow up and get it started. You have to master in it. Ready? Every time, keep on doing. That is the showing the plan. Attitude plays a great role.
while showing the plan? In what attitude you are showing the plan? Is it for 50 PV or 100 PV? That is the rotting attitude. If you have attitude, through this plan, he can change his life. I am the instrument of God. I am the messenger of God. God is it. Develop that attitude. Through this plan, he can change his life. Through this plan, he has hope, overcome his situation. Through this plan, he can change a lot of things. That's the question of attitude. Back to basics with the right attitude. Then point number 8. Ultimate goal is to go eagle, stay eagle, and make eagles. This business all about the leadership-driven business. Leadership-driven. Your eagles are leaders. They have the activity, they have the structure, they have the right organization. Those are flocking with the system. आपका पास दो choice है. आप quantity organization चाहते हैं ना quality organization चाहते हैं. Then 9 points. Point number, simple point 9. You must be in the game plan mode and counseling mode. You must be game plan driven. आपका business game plan driven होना चाहिए. नहीं, मेरा game plan 6 महीना हुआ था, 6 महीना हो गया, game plan हुआ नहीं. Sorry. Behave like achievers. Achievers, they have the game plan. On first and second, you have to develop your game plan with your mentor. If your mentor is not with you, you develop the game plan and communicate in the telephone. You must be game plan driven till go platinum, emeralds and diamonds. No shortcut. And game plan includes everything. Your dreams, goals, 100% pin, getting started, depth, tools flow, organization parameters, it includes everything, game plan. If you are a game plan driven with your mentor, it is guaranteed one day you are going beyond diamonds and off. That's done, deal. And you must be in counseling mode. You are a businessman. Behave like a businessman. When a businessman, they have their accounting, they have their infrastructure, everything they have. What you are doing? You are in the industry. You are an entrepreneur. You are a businessman. You have to keep everything with you. आपका टीम में कितना एसओपी है, कितना नंबर्स है, इट इज अ नंबर्स गेम. यू हैव टू फाइंड दैट. दैट इज अ काउंसिलिंग मोड में रहना है, देन यू कैन कैच द मोमेंटम. दिस बिजनेस मोमेंटम का आधार चलता है, मोमेंटम. देन द ऑर्गेनाइजेशन पैरामीटर्स, टूल्स फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये टूल्स फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी. आपको वही गेम प्लान में टूल्स फ्लो को डालना है. जैसे बोला जाता है 50 एसओपी इज द 10,000 पीवी सॉलिड, 75 फंक्शन नंबर, जो पैरामीटर है इसको आपको लेके जाइए. यू मस्ट बी इन गेम प्लान एंड काउंसिलिंग मोड. लास्ट, गो डायमंड विथ 30 ईगल्स, अप्लाइंग 4 लॉज ऑफ सक्सेस. आपको 5 साल में, 3 साल में यू हैव टू हैव 30 ईगल्स, मीन्स 5 ईगल्स इन ईच लेग, ओवर 6 लेग्स 30 ईगल. रेडी? यू हैव टू कीप 30 ईगल्स, अप्लाइंग 4 लॉज ऑफ सक्सेस. This business works with the law of success. First is law of belief. You believe yourself. Yes, I can have 6 lakhs. I am a diamond. Then the law of expectation. Expect the best. Nobody can grow beyond his expectation. Then the law of imagination. And fourth is law of attraction. We need that. Every action you do, apply this laws, 4 laws of success, you will yield the result. Are you ready? With a story, we'll complete the rest meeting. देखिए, ये डायमंड चीज क्या है. इफ योर फ्रेंड्स हेल्पिंग यू, इट हेल्प्स यू. इफ योर फ्रेंड्स आर पॉजिटिव, इट हेल्प्स यू. इफ योर फैमिली इज पॉजिटिव, इट हेल्प्स यू. इफ यू हैव ए गुड जॉब, इट हेल्प्स यू. इफ यू हैव ए पॉजिटिव एनवायरमेंट, इट हेल्प्स यू. बट ऑल द फैक्टर्स आर माइनस. द मेजर फैक्टर टू गो डायमंड इज यू. यू सिटिंग ऑन अ चेयर, माइंड इट. यू कैन डिसाइड टू गो डायमंड, नोबडी कैन स्टॉप यू. सो एक बार इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था. एक एग्जीक्यूटिव इसको वाइफ को बोला, ठीक है इसको क्रिकेट मैच हम लाइव, तो आज मेरा छुट्टी लेके लाइव देखने के लिए घर आया. लेकिन जब क्रिकेट मैच शुरू हुआ, उसका बॉस इसको बुला लिया, काम है तुम आ जाओ. वो इसको वाइफ को बोल के गया, ठीक है यू जस्ट रिकॉर्ड दिस, आई शैल सी व्हेन आई शैल कम बैक टू ऑफिस होम. सो इसका होम में 6 बजे इसको पता चला इंडिया जीत गया. फिर भी इसका इंटरेस्ट है, फिर आके इसको रिप्ले देखा. फर्स्ट इनिंग्स पाकिस्तान स्टार्टेड 380 रन्स. इंडिया स्टार्टेड इज इनिंग्स. तेंदुलकर 0 में आउट हो गया. कितना में? उसको कुछ डर लगेगा, कुछ टेंशन होगा? फिर 5 विकेट्स 40 रन में गिर गया, कोई टेंशन होगा? क्यों? रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड. एग्जैक्टली माई फ्रेंड्स,
Your result is declared. You are beyond diamonds. Can you say, I'm a diamond? I'm a diamond. I'm a diamond. I'm a diamond. God bless Go Diamond.